फरीद उद्दीन कैसर साहब, अगर क़यामत के रोज़ सबका हिसाब किताब होगा तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रफ़क़ा को अल्लाह ताला से अज़ाब क़ब्र से पनाह मांगने के लिए क्यों ताकीद फरमाई है? क्या ये अज़ाब हिसाब किताब से पहले ही शुरू हो जाएगा? इस सिलसिले में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस बहुत मशहूर है कि एक मरतबा आप दो कब्रों के पास से गुजरे थे, फरमाया दोनों मुर्दों को अज़ाब हो रहा है, एक तो वो शख्स जो पेशाब के छींटे से ख़ुद को नहीं बचाता था और दूसरा वो जो चुगलखोर था। इस हदीस मुबारक से क्या ये साबित होती, ये बात साबित होती है कि अज़ाब क़ब्र मंजिला बाला गुनाहों के सरज़द होने ही पर मिलेगा। देखिए ये मसला जो है अज़ाब क़ब्र का, ये काफ़ी हमारे यहाँ जो मुनकिरीन हदीस हैं उन्होंने इसके खिलाफ बड़ी मुहिम चलाई, लेकिन कुरान मजीद से भी ये साबित है और अहादीस से तो बहुत ही सराहत के साथ साबित है। और इसको समझिए ये कि असल में आखिरी फैसले तो उसी वक्त होंगे, जन्नत में दाखिला और जहन्नम में दाखिला तो उसी वक्त होगा, क़यामत के बाद, हिसाब किताब के बाद। लेकिन ये है कि जैसे मैं एक सादा से तमसील से आपको समझा दूँ, इम्तहान हो चुका है, नतीजा तो निकलना है, फ़र्ज़ कीजिए कि 1 मार्च को या 1 अप्रैल को नतीजा डिक्लेयर होगा, कौन कामयाब कौन नाकाम। लेकिन जिन्होंने कुछ किया ही नहीं पर्चों में, उन्हें तो पहले से मालूम है, उनकी जान तो सूख रही है, अंदर ही अंदर वो कांप रहे हैं। चाहे वो अभी यौम हिसाब तो आना है, उनका डिक्लेयर तो अभी होना है कि वो फेल है, लेकिन उनके चेहरों पर लिखी हुई है फेलियर। यही मामला है कि जो कुछ इंसान ने कमाया है आलम बरज़ख में भी, उसकी कुछ कैफियात उसके ऊपर तारी रहेंगी। तफासील में हम नहीं जा सकते कि कैसे होगा, ये हम नहीं जान सकते। आलम बरज़ख, आलम आखरा, इसके बारे में जो मुजमल बातें आ जाएं कुरान में हदीस में, बस उस पर हमें इक्तफा करनी चाहिए। तफसील में जाएंगे तो उससे खामखा के बखेड़े और खामखा के इख्तलाफात और फ़िरकाबंदियाँ शुरू होती हैं, लेकिन कोई ना कोई अक्स है। सूरह फुरकान में फरमाया युदाफ लहुल अज़ाब व यौमल क़ियामा, क़ियामत के दिन उसके लिए अज़ाब दुगना कर दिया जाएगा। तो मालूम हुआ कि क़ियामत से पहले भी कोई ना कोई अज़ाब की कैफियत थी। और हुजूर ने फरमाया है, और ये ऐसा ही है अज़ाब, जो दूसरी मिसाल से समझिए कि आप ख्वाब देखते हैं और ख्वाब में फ़र्ज़ कीजिए सांप ने आपको डस लिया है, तो जो कैफियत होगी वो बैन ही आपकी हो जाती है और आप खौफज़दा होकर आँख खुलती है तो बिल्कुल वही कैफियत आपकी है। या शेर आप पर हमला कर रहा था तो जो खौफ की कैफियत थी, जागे हैं तो वही कैफियत है। इसी तरीके से ये मामला होगा। और हुजूर ने फरमाया है कि हर कब्र जो है वो या तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है और या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है। और बाज़ जगह ये कहा गया है कि जैसे ही कब्र में दाखिल होता है तो उसके बाद जो है या खिड़की खोल दी जाती है जन्नत की तरफ से कि ठंडी हवाएँ और खुशबुएँ आती हैं, और या ये कि वो एक खिड़की खोल दी जाती है जहन्नम की तरफ से कि जिससे कि लू आती है, लपट आती है आग की। तो बस इस पर इजमालन इसी दर्जे में मानना चाहिए। बाकी ये कि असल हिसाब किताब के बाद उस प्रॉपर जन्नत में दाखिला और प्रॉपर जहन्नम में दाखिला जो है वो तो होगा क़यामत के बाद ही।